रानीगंज सेनको गोल्ड डकैती कांड में पुलिस अधिकारी मेघनाथ मंडल का गोली चलाना न्याय संगत था या नहीं, इस पर बीडीओ ऑफिस में चल रही है सुनवाई। पश्चिम बंगाल पुलिस एक्ट 1943 के 156 सी धारा के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट विकास कुमार दत्त सभी के बयान के बाद लेंगे निर्णय। मंगलवार को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट विकास कुमार दत्त के आदेश अनुसार रानीगंज वीडियो ऑफिस के सभाकक्ष में 9 जून दोपहर 12:23 पर रानीगंज शहर के एनएसबी रोड स्थित सेनको गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी शोरूम में डकैती की वारदात के दौरान पुलिस अधिकारी मेघनाथ मंडल का डकैतों पर गोली चलाना कितना न्यायपूर्ण था, इसे लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई में क्या फैसला हुआ ये तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन इस दिन सुनवाई के दौरान मेघनाथ मंडल को अपना पक्ष रखने और उस वक्त मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों को भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट विकास कुमार दत्त, एसीपी विमल मिर्धा, रानीगंज थाने के इंस्पेक्टर इंचार्ज विकास दत्त, डकैती कांड के जांच अधिकारी अजय बाग, सेनको गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी शोरूम के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 9 जून दोपहर 12:23 पर रानीगंज शहर के एनएसबी रोड स्थित सेनको गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी शोरूम में किस तरह से पुलिस ऑफिसर मेघनाथ मंडल अकेले डकैतों के गोलियों का जवाब गोलियों से दे रहे थे, ये किसी से छुपा नहीं है। पुलिस अधिकारी के गोली से एक डकैत घायल भी हुआ और अन्य डकैत अपने साथी को घायल होता देख लूटे गए 4 बैगों में से 2 ही बैग लेकर भागने में सफल रहे और ज्वेलरी से भरा अन्य 2 बैग शोरूम में ही छोड़कर फरार हो गए। उल्लेखनीय है कि जामुड़िया अधीन श्रीपुर पुलिस फाड़ी के प्रभारी मेघनाथ मंडल की 9 जून डकैती के वारदात के दिन रानीगंज में बाजार करने पहुंचे मेघनाथ मंडल की नजर जब डकैतों पर पड़ी तो उन्होंने बिना विलंब किए कार्रवाई शुरू कर दी और मेघनाथ मंडल की गोली से सोनू सिंह घायल हो गया और अपने साथियों के साथ किसी तरह मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गया। बाद में पुलिस की गोली से घायल सोनू सिंह को झारखंड के सरिया जंगल से पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन पुलिस अधिकारी मेघनाथ मंडल की गोली चलाने की घटना कितनी न्यायसंगत थी इस पर विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। रानीगंज थाना केस संख्या 188/2024 के तहत पश्चिम बंगाल पुलिस एक्ट 1943 के 156 सी धारा के तहत सुनवाई चल रही है कि पुलिस अधिकारी मेघनाथ मंडल की कार्रवाई सही थी या नहीं। विप्लव बादेकर की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। छोटे, तेरी पहली मोटरसाइकिल कैसी होगी? मुझे तो ऐसी चाहिए जो ज्यादा चले और लंबी टिके। तो तैयार हो जा छोटे। अरे मोटरसाइकिल लेने के लिए होंडा की 100 आ रही है, जो ज्यादा चले ज्यादा टिके। आ रही है होंडा की 100, होंडा के भरोसे के साथ।